हेलो व्यूअर्स, आपका फिर से स्वागत है तीसरी सीरीज में। आज की वीडियो में हम ऐसे प्रोडक्ट को अनबॉक्स करने जा रहे हैं जो आपको उस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो सकती है। तो इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्द आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गाइस, ये है अपना प्रोडक्ट जो कि मैंने शॉपसी से मंगवाया है। ये देखिए, इसका बारकोड ये लगा पड़ा है लेवल। तो व्यूअर्स, ये है नॉन इलेक्ट्रॉनिक वाटर फिल्टर जो बिना बिजली से चलता है। मैं इसको अब अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। देखिए, तो अब हम इसको अनबॉक्स करने जा रहे हैं। और मैं बात करूँ इसकी कॉस्ट की, तो ये कितने शॉपसी पे मेरे को पड़ा है, ओनली 999 रुपये में ये पड़ा हुआ है। देख सकते हैं, ये प्रिपेड करा था तो इस वजह से इसमें रेट मेंशन नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं, थोड़ा फोकस करके दिखा दीजिए। यहाँ रेट पड़ा हुआ होता लेकिन ये मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी, इस वजह से यहाँ पर रेट नहीं दिखा रहा है। तो चलिए अब इसको खोलते हैं। देखते हैं कैसा सिस्टम है। देखिए, ये थर्माकोल निकला है सबसे ऊपर, ये पन्नी निकल गई। वाटर टैंक है ये, और जो कि है कितने लीटर का है, ये है 20 लीटर का टैंक है। ये रहा इसका सिस्टम, खाली हो गया बॉक्स। तो अब इसको किस तरीके से लगाते हैं ये हम देखते हैं किस तरीके से लगाएंगे। अभी तो हमें खुद नहीं पता है किस तरीके से लगेगा ये, लेकिन इसके साथ क्या क्या मिलता है ये चीज हम आपको बताएंगे। देखिए, ये है फिल्टर जो पानी को फिल्टर करता है, और है ये यूजर मैनुअल है, और ये इसके अंदर कार्बन है जो प्योरीफायर वगैरह पानी को करता है। इसके ऊपर भी हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, इसको यूज करेंगे कि किस तरीके से इसकी अच्छी क्वालिटी है, क्या कैसा फीडबैक, क्या हम पूरा अच्छा रिव्यू वीडियो में देने वाले हैं। हमारे पास एक और लगा हुआ है, एक्वा विना का आरओ लगा हुआ है, लेकिन हमें वीडियो बनानी थी इस वजह से हमने ऑर्डर किया था। देखते हैं, 999 रुपए में मिल रहा था तो क्या चाहिए गाइस, इतने चीपेस्ट रेट में मिल रहा था, वो भी बिना बिजली के चलने वाला आरओ ही मानो। अब देखते हैं किस तरीके से लगता है। एक ये रहा, इसे ग्रेविटी फिल्टर भी कहते हैं। ये ऊपर का टैंक है ये, अब देख सकते हैं ये सभी इसकी एक्सेसरीज है, ये फिल्टर वगैरह है। अब हम इसको असेंबल करेंगे। ये है टैंक जो कि 20 लीटर का है, ये इसका टैब है, इसके अंदर दो वार्सल आते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं और किस तरीके से लगाना है, मैं ये आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लगा सकते हैं। और ये कितना सेफ है कितना अनसेफ है ये भी बस आपको खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने खुद फर्स्ट टाइम मंगवाया है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो दूसरे आरओ होते हैं उनके अंदर अगर 1 लीटर पानी आप फिल्टर करते हो तो 2 लीटर उसमें वेस्टेज जाएगा, वेस्ट होना ही होना है। इस तरीके से मैंने टैप लगा दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये टैप लग गया अपना। इसके बाद ये आएगा, ये है फिल्टर, ये भी फिल्टर, ये इसके अंदर 4-5 लेयर उसकी है, पता नहीं क्या है इसके अंदर, वो मैंने पढ़ी नहीं है अच्छी तरीके से, लेकिन इसके अंदर 4-5 फिल्टर है इसके अंदर, ठीक है। ये इसके ऊपर ऐसे लगाया जाता है और इसको भी ऐसे लगाते हैं, इसके ऊपर ये ऐसे लग जाएगा, उल्टा लग गया शायद, तो समझ में नहीं आ रहा है गाइस,
लग गया, लगभग ऐसा ही लगेगा। और ये ऊपर से ढक्कन है, आप इसमें से पानी डालोगे यहाँ से पूरा फिल्टर होके ये जाएगा इसमें। मतलब आपका कहने का मतलब है कि पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने का इसमें तो। और जो छोटे छोटे कण होते हैं ना पानी के, वो तो फिल्टर कर देगा, जो गमी बिल्कुल ही जैसे वायरस टाइप के जो होते हैं ना उनको फिल्टर नहीं कर पाएगा ये, इतना तो मुझे भी पता है। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर इसकी और भी जानकारी लेनी है तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाइए कि कितना सेफ है, कितना अच्छा है, सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी वहाँ पर के क्या है। अब हम इसको यूज़ करेंगे तब हम आपको इसके ऊपर दूसरी वीडियो बना के इसका पूरा जेन्युइन फीडबैक देखने वाले हैं और पानी में भी कंपेयर करेंगे कि इसका पानी और दूसरे आरओ का पानी जो इलेक्ट्रिक वाला है तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये हम चेक करेंगे। तो आई होप व्यूअर्स आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।